हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसी टेक यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको मिलता है आपकी हर प्रॉब्लम का पूरा सॉल्यूशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने मैसेंजर को बनाए रख सकते हैं अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट करने के बावजूद भी। तो जैसे कि मैसेंजर हम जानते हैं एक ही ये फेसबुक से ही लिंक्ड होता है हमेशा, और एक ही ओनर इसको ओन करता है, मेटा का। तो मेटा इन सब की पेरेंट कंपनी है। तो हम किस तरह से ऐसा कर सकते हैं कि मैसेंजर जो है हमारा बना रहे और फेसबुक अकाउंट जो है हम डिलीट कर दें। तो उसका एक तरीका होता है, तो वो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सबसे पहले फेसबुक के अकाउंट पर अपने, और फेसबुक अकाउंट में सबसे पहले अपनी ये थ्री लाइंस जो है यहाँ पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आप चले जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पर सबसे ऊपर ये वाला जो बार है, इसमें सारी पर्सनल डिटेल्स और ये सब कुछ है, अकाउंट सेंटर का ये है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी और पर्सनल डिटेल्स और ये सब सारे ऑप्शंस। तो आपको पर्सनल डिटेल्स वाले ऑप्शंस में जाना है और नीचे अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल वाले इस पर सिलेक्ट करना है। तो अगर आप डिलीशन जानते होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ से आपको अकाउंट जो है डिलीट करते हैं। तो यहाँ पर आपके अकाउंट दिखा रहा है, अगर मेरे में एक ही अकाउंट लॉगिन है तो वो दिखाएगा, ज़्यादा होते तो ये और भी होता। यहाँ पर लिखा है डीएक्टिवेटिंग योर अकाउंट इज टेम्परेरी। तो यहाँ पर डीएक्टिवेट और डिलीट दो ऑप्शन आ रहे हैं। तो अगर मैं डिलीट पर जाकर कंटिन्यू करता हूँ और कोई भी रीज़न सेलेक्ट करके कंटिन्यू करता हूँ, तो यहाँ पर जो है ये, हाँ यहाँ पर ये आ चुका है, ये बिफोर यू डिलीट आपको एक चीज़ पहले से बता देगा, टू कीप मैसेंजर डीएक्टिवेट इंस्टेड। इसका मतलब ये है कि अगर आपको मैसेंजर बनाए रखना है तो डिलीट अकाउंट को ना करें, डीएक्टिवेट कर दें। तो ये इसलिए आ रहा है कि अगर आप डीएक्टिवेट करेंगे तो मैसेंजर आपका बना रहेगा और अकाउंट एक तरीके से डिलीट हो जाएगा, आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर जा सकते हैं और पासवर्ड डाल के अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर सकते हैं। धन्यवाद।